नमस्कार दोस्तों, टेक न्यूज़ जिंदे में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एसुस की तरफ से आने वाला एनवीडिया का G4 GTX 1060 6GB ग्राफिक कार्ड जो कि DDR5 के साथ आता है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस ग्राफिक कार्ड की कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको बताते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें ताकि आपके एक लाइक की वजह से मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलता है ताकि मैं आगे जाके कुछ वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों ये है ASUS की तरफ से आने वाला एक G4 GTX 1060 OC Edition 6GB ग्राफिक कार्ड जिसको मैंने Amazon से बाय करा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स टूट गया हुआ है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में बॉक्स टूट गया था जिसकी वजह से यहाँ पर टूटा हुआ है। दोस्तों ये वाला ग्राफिक कार्ड OC एडिशन है, यानी कि मैं इसे और क्लॉक कर सकता हूँ। इसमें आपको 6GB की वीडियो मेमोरी मिलती है जो कि GDDR5 के साथ आती है। दोस्तों फीचर्स की बात करें तो इसमें आप जो है 4K गेमिंग कर सकते हैं, नॉर्मल में VR गेमिंग भी खेल सकते हैं, जी सिंक का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप इसे अगर आप गेमिंग वगैरह खेलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ गेम चलेगी। और इसमें आपको डायरेक्ट X12 का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आज के टाइम पे जितनी भी गेम्स हैं वो सारी की सारी इस ग्राफिक कार्ड के साथ सपोर्ट हो जाएगी। तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स हमें मिल जाता है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ASUS की ब्रांडिंग दी गई है। तो चलिए ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्राफिक कार्ड, इसे हम साइड में लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक मैनुअल गाइड्स मिल जाती हैं स्पीड सेटअप का, कुछ इस तरह से ग्राफिक कार्ड की मैनुअल गाइड दी गई है किस तरह से आपको इसे सेटअप करना है वगैरह वगैरह, तो मैं इसे पढ़ने वाला नहीं हूँ। और इसके साथ आपको एक DVD मिल जाती है जिसे आप अपने ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉलेशन करने के वक्त आप इसे इसका ड्राइवर है उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इसके साथ आपको एक DVD मिल जाती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ग्राफिक कार्ड है। मैंने ASUS का इसलिए बाय करा क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे प्रीमियम डिज़ाइन के साथ मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है जिसकी वजह से मैंने इसको परचेस करा है। और दूसरी बात ये कि दोस्तों इसके अंदर आपको एक चिप मिल जाती है जिसकी वजह से इस ग्राफिक कार्ड को मैंने ख़रीदा है। दोस्तों क्या होता है कि ज़्यादातर जो ग्राफिक कार्ड होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक काफ़ी गर्म हो जाते हैं, फिलहाल यहाँ पर आपको इसके अंदर चिप मिल जाती है जिसकी वजह से ये ग्राफिक कार्ड गर्म होने के बाद ही तुरंत उसे ठंडा कर देता है और इसका जो परफॉर्मेंस है वो 30% एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ASUS की ब्रांडिंग दी गई है। और साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे DVI का केबल वगैरह, यहाँ से आप अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप वीडियो केबल वगैरह लगा सकते हैं, HDMI केबल, तो हमें दो HDMI पोर्ट मिल जाते हैं। दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड की खास बात करें तो ये ग्राफिक कार्ड जो है आपके पास अगर 450W का पावर सप्लाई है तो उसमें ये आराम से चल जाएगा, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। और दोस्तों खास बात यह है कि इसमें आपको 6-पिन वाला कनेक्टर यहाँ से लगा सकते हैं और आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला ग्राफिक कार्ड काफ़ी पुराना भी है लेकिन आज के टाइम पर बात करूँ तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ ये वाला ग्राफिक कार्ड मिल जाता है जिसकी वजह से मैंने इसको परचेस किया है। दोस्तों ASUS की तरफ से आने वाला ये वाला ग्राफिक कार्ड आपको मार्केट में करीबन 24 से 25 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाएगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके इस ग्राफिक कार्ड को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा PC बिल्ड वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे मैंने वीडियो दिया है, वहां जाके PC बिल्ड वाला वीडियो देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करे हैं। फिलहाल ये ग्राफिक कार्ड का इंस्टॉलेशन वाला वीडियो भी मैं बनाने वाला हूं और इसका वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।